हेलो दगड़ियों, पहला कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ पिथौरागढ़ बोर्ड मीटिंग के लिए। तो अभी चंदन दा आने वाले हैं, चंदन बाणी आपसे मिलाएंगे। पहले भी आपने उनको एक दो बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, परसों के व्लॉग में भी देखा होगा। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि आज पतिदेव नहीं आ रहे हैं। और तो हम हो चुके हैं रेडी, आज चलना है पिथौरागढ़। तो आपको भी दिखाते हैं पिथौरागढ़, यहाँ से बहुत दूर है तो लगे जाते हैं 2-3 घंटे, जबकि रोड सही हो गई है। अब थोड़ा नीचे पनार तक थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके बाद ऑल वेदर है तो ठीक है। पहले से बनने के टाइम पे लगता था थोड़ा जाम। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। खत्म खत्म खत्म। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं चमरडुंगा से थोड़ा ऊपर ऊपर, यानी प्रदीप के घर से थोड़ा ऊपर ऊपर। तो ये है यहाँ का मौसम और बहुत खतरनाक है। यहाँ कोहरा वोहरा भी लगा हुआ है। नीचे नदी है हमारे, वहाँ घाट जो जाते हैं, मतलब जो सौ जाते हैं यहीं आते हैं नीचे। तो मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल प्लेन्स जैसा लगता है। चलिए तो दिखाती हूँ आपको। ये है नदी और ये यहाँ की खेती। तो साफ आ नहीं रहा क्योंकि सामने से ना सूरज है। सूरज ये चंदनदा। ये हमारे युवा साथी। नमस्कार, खुश रहो, कैसे हो? हेलो बच्चू भैया। हेलो बड़े भाई। हम पहुंच चुके हैं प्रदीप जी के वहाँ। ये हमारे प्रदीप जी, ये युवा जिला पंचायत सदस्य। ये हमारे बुजुर्ग जिला पंचायत सदस्य। ये हमारे बुजुर्ग है। ये चाय ला गया, चाय बनवा। नहीं, ये भी युवा ही है। युवा ही सबसे युवा तो यही है। जोशीले जोशीले ये कुत्ता दूध पीना। ये ब्लॉक है पुरोन में रोबर को देखा का जो हुन पे को देखा हाल भी घा काटने वाला ना घा काटने वाला ना लगी तो देखणो भय ने। हम बैठे रहे खा ही रहे। प्रदीप जी की चाय टेस्ट करके बताते हैं कैसी हुई। सही करा। चाय बर्बाद कर दी कल्याण दा तुमने। ये हमारे कल्याण दा कहता है। कल्याण दा कल्याण दा कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। पूरी तैयारी में हैं आप आज? बिल्कुल बिल्कुल फुल तैयारी है। तो नंदा आप यहाँ पे है घाट। तो ये है गुरना माता मंदिर। पिथौरागढ़ आते जाते वक्त यहाँ पे सभी श्रद्धालु रुकते हैं, पिठा लगाते हैं। तो बहुत आस्था है इनकी भी। को इसकी नॉलेज देंगे आप या नहीं करा? सर एक्चुअली में ऐसा ना, मैं अपना बताऊं या पूरे ग्राम पंचायत वो जितने एक्चुअली में खाना मुंशा जी पूरी ग्राम पंचायत शायद वो सभी में आ रहे थे। फल आप ऐसा करते बस एक अब तत्काल उस समय सर्जियों कार्रवाई होनी थी, उसी समय हो जाती तत्काल जरा तो महंगा भी छोड़ चुका है, सब कुछ हो चुका है। सुनिए जी, उस समय के जिलाधिकारी ने आपको आदेश दिया।
उनके जाते ही आपने उसका अनुपालन रोक दिया। कोई भी आदमी हो उसमें ही लगाते ना। अरे देखो कैसा जानवर है, ये दिखते नहीं है ना ऐसे। इसका मैंने मीट खाया है, लेकिन ये मादा है दोनों। गुरड़ काकड़, गुरड़ काकड़ हिल नहीं रहा। देखो इसको कोई मारता नहीं है ना। क्या देख रहा हो भाई, ये क्यों देख रहा है हमको करके सोच रहा हूँ। तो दोस्तों तो हम पहुँच चुके हैं घर, जो भी हो रहा है। तो आज आपको बताते हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या जॉब करती हूँ, मेरा क्या दायित्व है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। सबसे पहले अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाती हूँ, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाती हूँ। और दूसरा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ त्रिस्तरीय पंचायत में। मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये हमारी बोर्ड बैठक हो रही है पिथौरागढ़ जिला पंचायत में। तो जैसे कि आपने देखा ही है, ऐसे सवाल जवाब होते हैं। यही मेरा काम है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पे रखना और उनका समाधान निकालना कह सकते हैं। तो हाँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ हाउस वाइफ के साथ। तो यही है बस, और यही हमारी बैठकें होती रहती हैं। वैसे तो ये साल में चार होती हैं, लेकिन बीच में और चीज़ें भी होती रहती हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माता दी।